दोस्तों जैसा कि मैं बताऊं आपको, इनोवा हाइक्रॉस जो था हमारा, ये फाइनली रेडी हो गया। तो मैं एक बार लेके चलने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि इसमें क्या क्या काम हुआ है। तो मैं एक बार पीछे से दिखाऊं। सबसे पहले यहां पे जो है हमने ये स्पॉइलर क्रोम जो है, ये स्पॉइलर क्रोम का फिट एंड फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। बहुत प्रीमियम तरीके से प्रीमियम लुक दे देता है, टॉप मॉडल का लुक दे देता है ये। और उसके बाद मैं एक बार लेके चलूं यहां पे, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये डोर पैड का काम हुआ है। इसका स्टिचिंग आप चेक कर सकते हैं, फिनिशिंग चेक कर सकते हैं ये। और ये बिल्कुल टॉप मॉडल का जो शेप है इसमें दिया गया है, ये देख सकते हैं। ये जो स्टिचिंग आप चेक कर सकते हैं, लेदर का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आप ये। यहाँ पे आपको जो है ये वुडन फिनिश जो है डैशबोर्ड पे भी आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल जाता है। यहाँ पे बात करें सीट कवर की, तो सीट कवर तो अल्टीमेट है, बकेट फिटिंग में इसको तैयार किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टिचिंग जो है डबल स्टिचिंग में ये किया गया है। ये टेक्चर इसका आप चेक कर सकते हैं, स्टिचिंग बकेट फिटिंग है। और ये लेदर भी बहुत प्रीमियम डिफेंडर लेदर है ये। और इसके जो फिनिशिंग है आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बीच में जो आर्मरेस कंसोल है ये भी मिल जाता है। यहाँ पे स्टीयरिंग कवर रैपिंग की बात करूँ तो डबल कॉम्बिनेशन में ब्लैक एंड जो टेन कलर है, जो इंटीरियर कलर है इसके, इसमें तैयार किया गया इसको यहाँ पे। और मैं एक बार पीछे बैक सीट का भी दिखाने वाला हूँ, पीछे बैक सीट का लुकिंग कैसा लगता है वो भी मैं आपको एक बार चेक कराने वाला हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बैक का जो है, बीच का बैक कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाता है फिटिंग। और यहाँ पे आपको ब्रांडिंग लोगो वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। पीछे का फिटमेंट कुछ ऐसा सामान वगैरह डाल दूँगा। और एक बार मैटिंग का फिटिंग होगा वो भी चेक कराने वाला हूँ।